देश के सबसे बड़े सूबे पर जंगली जानवरों का साया मंडरा रहा है। क्योंकि अभी आदमखोर भेड़ियों का खौफ खत्म भी नहीं हुआ था कि अब बाघ का डर सता रहा है। और इस बार इसका सेंटर पॉइंट है यूपी का लखीमपुर खीरी, जहां दहशत का आलम यह है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकल रही हैं, ग्रामीण खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं। बाघ के डर से एक बड़े इलाके में कर्फ्यू जैसा माहौल है, क्योंकि एक साथ 8-8 बाघ जंगल छोड़ लखीमपुर के खेतों में घुस आए हैं, जिनके रास्ते में जो आ रहा है शिकार बन रहा है। वन विभाग की जो टीम है उनके साथ एबीपी न्यूज ने यहाँ पेट्रोलिंग की, और ये जो पिंजड़े लगाए गए हैं यहाँ पर उसकी व्यवस्था की गई है। कैसे पिंजड़ा काम करता है ये भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे शेर अंदर या बाघ अंदर गया तो किस रूप में होता है, आप अंदर ये इस तरह से ये सारी व्यवस्था है। एक डेमो करके मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये अंदर गए और वहाँ पैर रखा, यानी बाघ ने वहाँ पैर रखा, वैसे ही पिंजड़ा गिर जाता है। हालांकि ये द्रोण से निगरानी की जा रही है, ये भी देख लीजिए आप, और यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो आत्मा किस तरह से दुखी है उनसे भी बात कराऊंगा। इसके अलावा ये जो दरोगा जी की बैठने वाली गाड़ी है, जो ट्रैक्टर है, किसी तरीके से बाघ हमला न करे उसके लिए चारों तरफ से उसको जालीदार बना दिया गया है। वन दरोगा इसी पर बैठ कर घूमते हैं। बाघ कहाँ इस इलाके में छिपे हैं, इसकी पहचान पहले उनके पैरों के निशानों से की जा रही थी, अब ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। कुल 20 कैमरे लगे हुए हैं। उधर वन विभाग की टीम फुल ऑन एक्शन में है, जिन पर बाघों को पकड़ने का दबाव बनता जा रहा है। लखीमपुर के जंगल से निकले 8 बाघों ने यहाँ खौफ का माहौल बनाया हुआ है। हमारे साथ DFO संजय जी हैं, क्या तैयारी की गई है? जैसे अभी हमारे अगस्त में लगभग 3 डेथ हुआ है और एक अक्सर घायल भी हुए हैं एक इंसान को, तो क्योंकि मानसून में जैसे पानी भर जाता है जंगल में तो जानवर बाहर आ जाते हैं, तो इसके तहत में हम लोग इमलिया गांव में बाघ को पकड़ने की कवायद जारी है। तो इसके तहत में हम लोगों के 4 पिंजरे लगाए हैं और ड्रोन कैमरा में सतत निगरानी की जा रही है। इसके साथ साथ लगभग पूरे ज़िले में हम लोग 40 कैमरे की तैनाती किए हैं, क्योंकि बाघ एक ऐसा जानवर है जो मूव करता रहता है। एक बाघ लगभग 10 किलोमीटर आराम से मूव कर जाता है एक दिन में, तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि उसके लोकेशन ट्रेस किया जाए। ये जो 8 बाघ हैं इनको कब तक पकड़ लिया जाए? 8 बाघ पकड़ने के हमारे वन मंत्री जी भी आए थे, क्योंकि हर साल जैसे मानसून में थोड़ी स्थिति ऐसे रहती है, मानसून खत्म होते ही वो लोग फिर से जंगल की तरफ चले जाते हैं। वन विभाग और बाघ के बीच चोर सिपाही का खेल जारी है। गन्ने के खेत हो या पगडंडी, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां तलाश ना हो रही हो। जिस तरीके से DFO कर रहे थे कि हर बरसात में ऐसा होता है, यहाँ पर गन्ना बहुत है और गन्ने को बाघ जो है वो अपना घर समझ लेता है, तो जो लोग गन्ने के आसपास जाते हैं उन पर हमला कर देता है। जैसे ही बरसात खत्म हो जाएगी वैसे ही ये समस्या समाप्त हो जाएगी, तो इनकी क्या जरूरत है, DFO की क्या जरूरत है, वन मंत्री की क्या जरूरत है, प्रशासन की क्या जरूरत है, जब लोग घायल होते रहेंगे, मरते रहेंगे और त्रासदी के तरह हम कहें कि झोंकते रहेंगे। तो ये लोग हैं जो गांव के हैं, हर साल परेशान होते हैं, विवश होते हैं, इनके भाई बंधु घायल होते हैं, मरते हैं, और प्रशासन कह रहा है तो मंत्री जी आए थे बाघ पकड़ नहीं पाए, चले गए। जी, हमारे गांव में यही समस्या है कि हम लोग जब जाते हैं खेत की तरफ तो हम लोग 3-4 लोग जाते हैं, मतलब कि बाघ की दहशत है और इसीलिए हम लोग 4-5 लोग जाते हैं साथ। 4-5 लोग जाते हैं तब भी हमला कर देता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जी जी, प्रशासन क्या करता है? प्रशासन यहाँ पे कुछ नहीं सुनवाई हो रही। हाँ, यहाँ बाघ का है प्रकोप यहाँ भी। तो प्रकोप से तो आपके भाई बंधु घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने प्रशासन से कुछ कहा नहीं, मांगा नहीं? हाँ कहा वो, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। इस बीच ग्रामीणों के अपने दावे हैं, जितने मुंह उतनी बातें हैं, लेकिन जो एक बात सच में है वो है दहशत, जो हर किसी में कॉमन है, क्योंकि एक बड़ी आबादी इस वक्त डर के साए में जी रही है।
डर लगता है अंदर से और बाहर नहीं निकलते हैं। अंदर भी बच्चन को रखते हैं, हम भी रहते हैं और जाते हैं तो बाहर निकलते हैं तो सब लोग निकलते हैं, अकेले भी नहीं जाते हैं। अब बच्चे पढ़ने भी नहीं जाते, बहुत डराते हैं। इतना बाघ का खौफ चल रहा है? हाँ, बहुत डर है अंदर। इतनी बुरी तरीके से दहशत हुई है कि हम लोग जो है इस समय इतना परेशान है कि दिन में तो तुम्हारे क्या ना मजबूरी है, जानवर कोई पाले जाते हैं, चारा वारा किया जाता है, लेकिन रात में कोई इधर से उधर नहीं हो सकता। बच्चे स्कूल जाने से इतना कतराते हैं, कुछ कहने की बात है, उनको इतना भय व्याप्त हो गया कि उस भय से वो कभी भी तुम्हारे क्या नाम ये नहीं सोचते हैं कि हम स्कूल चले जाएं। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर जंगली जानवर जंगल छोड़कर बाहर क्यों आ रहे हैं? क्या इसके पीछे जंगलों का खत्म होना सबसे बड़ी वजह है या फिर इसके पीछे का रहस्य चौंकाने वाला है? मनुष्यों से जो डरने का जो की जो प्रवृत्ति वो खत्म हो गई, और जब उसको भेड़ और बकरी नहीं मिल रही तो बच्चों को पकड़ने लगा, बच्चों को खाने लगा। क्योंकि वन विभाग की माने तो बारिश में पानी भरने से ऐसी घटनाएं होती हैं, जानवर जंगलों से बाहर निकल आते हैं। लोग तो परेशान है सर, 3 लोग घायल हो चुके हैं, कई लोग घायल भी हुए हैं। हाँ। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ। सर हर साल यही हाल है, हर साल सर यही। आप लोग निकलते हैं, मांग करते हैं, लेकिन कोई वन विभाग प्रशासन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता? कोई असर नहीं सर पड़ता। बताते हैं सर ये इंतजाम किया, वो इंतजाम किया, लेकिन पकड़ा तो नहीं गया सर अभी तक। लोग तो परेशान है सर, हत्याएं तो हो रही। इस बात में कितना दम है ये जांच का विषय है, लेकिन जंगलों से आ रहे जानवरों ने एक बड़े खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। पहले भेड़िया, अब बाघ, और कुछ इलाकों में सियार के होने की भी बात कही जा रही है। इस तरह की घटनाएं पहले कोरोना के वक्त लॉकडाउन में हुई थी, हालांकि तब ये बात समझ में आती थी कि चारों तरफ बंद था, लेकिन अब न लॉकडाउन है न किसी तरह की पाबंदी, क्योंकि इस वक्त डर और कैद में अगर कोई है तो वो इंसान है। जो पहले भेड़िए के डर से घरों में कैद थे, अब बाघ के डर से कैद हैं। हालांकि वन विभाग का दावा है कि एक एक बाघ को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन इसकी डेडलाइन क्या होगी कोई नहीं जानता है, क्योंकि वक्त जितनी तेजी से बीत रहा है बाघ का डर उतनी तेजी से बढ़ रहा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.